हाय एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो चिकन में डालनी है। इसमें शामिल करूँगी 4-5 हरी मिर्च, अदरक लहसुन और 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसमें मैं गरम मसाला शामिल करूँगी। 4-5 मैंने लौंग लिए हैं, 10 से 15 मैंने काली मिर्च ली है, 2 दालचीनी के पीस, 2 बड़ी इलायची और जीरा। इसमें मैं शामिल करूंगी छोटी इलायची 5, बेल लीव 2 पत्ते और करी लीव। इसमें शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून दालचीनी का पाउडर, 1.5 चम्मच रेड मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच मैंने धनिया और जीरे का पाउडर लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर्स को मैंने फाइन काट लिया है। अदरक और लहसुन को मैंने पीस लिया है। इसमें शामिल करूंगी 200 ग्राम योगर्ट। इसमें मैं शामिल करूंगी फ्रेश दूध 1 कप 250 ml। इसमें मैं शामिल करूंगी काजू 10 से 15 पीस, गार्निश के लिए फ्रेश धनिया और अदरक के स्लाइस। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल करूंगी। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब हम चिकन शामिल करते हैं। साथ ही गरम मसाला शामिल कर देते हैं, करी पत्ता और इलायची। चिकन को 4 से 5 मिनट तक लगातार भुनेंगे, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। अभी चिकन का कलर चेंज हो गया है, अभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे। 2 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को हमने भून लिया है, अभी बाकी के नमक मिर्च मसाले भी हम शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिर्च नमक को भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। हमने अच्छी तरह से चिकन को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, लुक बहुत अच्छी है। अभी हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटरों को हम पहले इसलिए नहीं शामिल करते क्योंकि टमाटरों से गोश्त जो है जल्दी टूटना शुरू हो जाता है और जल्दी गल जाता है। टमाटरों को भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। भूनते वक्त हम चिकन को लगातार हिलाते जाएंगे ताकि मसाला जो है नीचे से जल ना जाए। अभी हम इसमें दही शामिल कर देते हैं। दही को मिक्स करने के लिए मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। दही शामिल करके मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं काजू शामिल करती हूँ और साथ ही मैं ग्रीन चिली शामिल करती हूँ। हम इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं पानी की जगह दूध इस्तेमाल करूंगी। दूध से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी भी अच्छी और थिक बनती है। अभी मैं इसमें 1 पाव दूध शामिल करती हूँ और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं,
अभी हम अपने कोरमे को चेक कर लेते हैं। इसको आस्था से हिलाएंगे ताकि चिकन ना टूटे। अभी हम इसमें फ्रेश धनिया शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। धनिया डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हमारा कोरमा रेडी है, हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको 2 मिनट तक डिश आउट कर लेंगे। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा कोरमा बहुत मज़े का बना है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।